सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 एक ऐसी थीम दिखाने वाला हूँ जो कि काफी कमाल की और काफी यूनिक होने वाली है। गाइज, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जो थीम है वो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, यहाँ पर बात कर रहे हैं थीम नंबर 1 की। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी मस्त आपको थीम नंबर 1 है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें गाइज काफी मस्त आपको कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइज जो लॉक स्क्रीन है उसमें काफी मस्त आपको कस्टमाइजेशन का लुक भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि गाइज आपको यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर और आपको कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइज, यहाँ पर जो क्लॉक है अगर आप इस पर टैप करते हैं तो कुछ इस तरह की ब्लिंक हो जाती है। बट गाइज जो मेन बात है थीम की वो है उसकी RGB लाइट। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी मस्त आपको यहाँ पर RGB का लुक है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारी आपको यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि जो थीम के आइकन पैक है वो इतने खास नहीं है, तो आप इसकी जो कस्टमाइज है उसकी जाके आप थीम के आइकन पैक है उसको चेंज कर सकते हो। गाइज जो थीम का सेटिंग है उसमें भी कुछ इस तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि आपको थीम को बिल्कुल डार्क मोड वाला सपोर्ट दे देता है। गाइज जो थीम का आपको डायलर पैड देखने को मिल जाता है वो कुछ इस तरह का है। अगर जो थीम का नाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ इस तरह का आपको MIUI 11 की थीम है वो देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं थीम नंबर 2 की। तो गाइज यहाँ पर आप थीम नंबर 2 देख सकते हैं, कुछ आसूस के ROG फोन आते हैं कुछ इसी तरह का आपको लुक है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जो थीम का वॉलपेपर है वो काफी मस्त है और थीम की जो अंदर की डिजाइन है वो भी काफी मस्त आपको लुक प्रोवाइड कर देती है। गाइज मुझे पसंद आया जो थीम का वो है इसके आइकन पैक और उसका जो वॉलपेपर है आप इजीली इसको डबल टैप करके चेंज कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी वॉलपेपर आपको पसंद है उसको डबल टैप करके आप छोड़ देते हैं तो वो सेम बिल्कुल सेट हो जाता है। गाइज यहाँ पर आइकन पैक के बारे में बात करते हैं तो काफी मिनिमलिस्टिक लुक आपको प्रोवाइड कर देता है। और गाइज थीम की जो नोटिफिकेशन बार है वो कुछ आपको रियलमी या वीवो टाइप का आपको लुक है वो प्रोवाइड कर देती है। गाइज इस थीम की जो लिंक है वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में, तो इजीली इस थीम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ आपको इस थीम में खास देखने को नहीं मिलता है, तो जो थीम का नाम है वो है UIV 11, तो इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं थीम नंबर 3 की। गाइज यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो थीम है वो पहले ही इंप्रेशन में काफी मस्त लुक प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि गाइज जो उसके आइकन पैक है वो मुझे इतने खास लगे क्योंकि मैं इसका परमानेंट अप्लाई कर देता हूँ। गाइज यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन पर आइकन पैक है उसके अलावा आपको iOS की क्लॉक है वो देखने को मिल जाती है। इस थीम के जो और फंक्शन है उसमें बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की, तो आपको ग्रे टाइप का देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन तो आपको नॉर्मल से ही देखने को मिल जाती है, तो उसमें कोई खास इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। गाइज यहाँ पर जो सेटिंग है उसमें काफी मस्त आपको बैकग्राउंड वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाता है। सेम प्रोसेस गाइज आपको फोन डायलर में भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज सारी थीम की लिंक आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में, तो इजीली सभी थीम को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज जो थीम का नाम है वो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो थीम का नाम है वो है ChipV11। तो गाइज ऐसी मोर Xiaomi थीम का रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक रश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइज तीनों थीम पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।